आप लोगों की डिमांड थी कि मैम जैसा आपने बायोलॉजी के लिए वीडियो बनाया था कि अगर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैम, कुछ भी नहीं पढ़ा है, टाइम बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ एक दिन का समय है, दो दिन का या मैक्सिमम 5 दिन का समय है और हम बस चाहते हैं कि हमारे पास जो है पासिंग मार्क्स कहीं ना कहीं कैसे भी आ जाए, क्योंकि हमारी जो है ना हालत डाउन हो रखी है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि केमिस्ट्री में चल क्या रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी भी ऐसी ही कंडीशन बनी हुई है बच्चों, तो सबसे पहला जो मैं चीज़ें बताती जाऊंगी, एक तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि सारी की सारी टिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताई जाएंगी कि कैसे कम टाइम में आप पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर सकते हो लगभग, क्योंकि आपको नहीं पता कि मोस्टली क्या होता है कि आपके कुछ परसेंट सिलेबस में से ही 30-40% जो सिलेबस होता है आपका, उसी में से जो है आपके 70% तक के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनते हैं, 70% मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए काफी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बच्चों सबसे पहले तो एक काम करो, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है काफी ज्यादा चैप्टर है, बहुत कम चैप्टर नहीं है, तो सबसे पहले ये जानो कि कितना आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। इसके लिए यूट्यूब पे सर्च करो कि केमिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस क्या है क्लास 11th के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना कि सारे के सारे चैप्टर को ध्यान में से देखो और कट क्रॉस लगा दो जो कि आपका कटिंग है, क्योंकि 30% सिलेबस काफी होता है बच्चों, अगर इतना आप छोड़ दोगे तो आराम से आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहला काम यह है कि हर बच्चा क्या करेगा, सिलेबस को बैठ के एनालाइज करेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम में है, कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन सा पोर्शन नहीं आने वाला है, उसके बारे में बात करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक बताने वाली हूँ, उसको सबसे पहले कवर कर लेना है क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आप आ जाओ फटाफट से अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, वरना ये वीडियो आप लोग के लिए वेस्टेज है और कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी की बुक खोलो क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, एनसीईआरटी ही हमारी माता है, सब कुछ है, ठीक है, यही हमारा भगवान है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। तो एनसीईआरटी की बुक को खोलो और यहाँ पर आ जाओ आप चैप्टर नंबर 1 पे, जहाँ पे कि आपका सारा कंटेंट लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ कुछ टॉपिक जो रिलेटेड है उसको तो मैंने खैर साइड ही कर दिया है, जो बचे हुए टॉपिक हैं उनमें से कौन सा आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे मार्क करके लाई हूँ, तो आप लोगों को भी ये मार्क कर लेना है और इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाना है एग्जाम्स के लिए। तो चैप्टर 1 में जो आपका मूल कॉन्सेप्ट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है और बल्कि आगे के चैप्टर भी अगर आप करोगे तो उसको उसके लिए भी आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए और मोलर मास निकालना आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए बच्चों कम से कम, अगर ये भी नहीं आएगा तो क्या ही करोगे। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या करोगे, जो बोहर का आपको अगर दिखाई पड़ रहा हो, बोहर का मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ये वाला जो टॉपिक है इसको कर लोगे, पेज नंबर 42 पे आपको मिल जाएगा। टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ये करके जाओगे, जितने भी आपके मॉडल्स दिए गए थे, हाइजेनबर्ग का मॉडल था, है ना, तो जितने भी तरह के मॉडल्स थे उनको पढ़ के जाओगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ के जाओगे कि आखिरकार स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन हर साल यहीं से आया है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आना है, बस आपको इतना करके जाना है बच्चों, कैसे भी करके इसे करो, ठीक है, जैसी भी अवस्था में। अब यहाँ पे आ जाओ चैप्टर नंबर 3 में, तो चैप्टर नंबर 3 में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बचपन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल जाओ, मुझे 2-8-8 करके लिख देते थे, अब आपको लिखना आना चाहिए 1s2 2s2 2p6, लाइक दिस, यू नो, काफ़ी ज़्यादा यू नो मॉडर्न टाइप से लगता है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, इसको जल्दी जल्दी पढ़ लो कैसे भी करके। और उसके बाद अभी मैं कुछ और चीज़ें भी बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं है, अगर आपके पास एक दिन का समय है तो उसके लिए थोड़ा अलग से टिप्स दे दूंगी, अगर 2-3 दिन का समय है बच्चों तो कम से कम इतने टॉपिक करके चले जाओ, ठीक है। लाइक बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है इसके बारे में सब कुछ पढ़ लो, पेज नंबर पर कंसल्ट करो, है ना, सीधा। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, इस थ्योरी को पढ़ के जाओ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला रट लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, यहाँ पे आ जाओ फटाफट से थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर पे, तो इसमें एक काम करो 6.3 वाला कर लो, 6.7 कर लो, और फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या करना है 7.11 वाला आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस पीएच निकालना आना चाहिए। बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको कर लोगे। अब फटाफट से आ जाओ अपनी नेक्स्ट बुक पे, क्योंकि हम लोगों के पास 2-2 बुक की हद ही हो रखी है केमिस्ट्री में, तो फिजिक्स में भी हद है, बायो में तो चल फिर भी एक थी। यहाँ पे आ जाओ, रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा बैलेंसिंग का, 3-4 नंबर का आएगा, 3-4 नंबर अगर चाहते हो बैलेंसिंग करना सीख लो, अगर एक दिन का समय भी है तो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लो, बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कर लो, नॉमनक्लेचर कर लो और आइसोमेरिज्म कर लो, कुछ कन्वर्जन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं आना है, कन्वर्जन और रीजनिंग ही आना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में क्या करोगे,
कुछ नेम रिएक्शन है उसको कर लो, क्योंकि नेम रिएक्शन ही यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन के सारे रिएक्शन पढ़ लो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। लेकिन लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को भी दबा दो। जैसे ही फिजिक्स का डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।